देवास के आशीष गुप्ता रोज सुबह 6 बजे साइकिल से इंदौर जाते हैं, इंदौर से वापस लौटते हैं, करीब 55 किलोमीटर साइकिल पर डे चलाते हैं। हमारे संवाददाता से चर्चा में आशीष गुप्ता का कहना है कि लोगों को, समाज को एक संदेश देना है कि आप आपकी दिनचर्या में साइकिल का इस्तेमाल करें, आप भी स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएंगे। ऑडेक्स इंडिया द्वारा एक प्रतियोगिता जून के पहले सप्ताह में हुई थी, जिसमें मुंबई से धूलिया, धूलिया से मुंबई 40 घंटे में 600 किलोमीटर साइकिलिंग करना था, जिसमें 41 लोगों ने भाग लिया था। 12 लोगों ने 40 घंटे में 600 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, जिसमें से आशीष गुप्ता ने 39 घंटे में 600 किलोमीटर साइकिल चलाकर मध्य प्रदेश के देवास का नाम रोशन किया और यह प्रतियोगिता जीती। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अगस्त के माह में होनी जा रही है, जिसमें फ्रांस से पेरिस 12 किलोमीटर की है प्रतियोगिता रहेगी, जिसमें देवास के आशीष गुप्ता भाग लेंगे। नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता पेशे से शिक्षक हूँ, देवास का निवासी। प्रतिदिन अपनी साइकिलिंग को मैंने शामिल कर चुका हूँ। प्रतिदिन मैं देवास से इंदौर और इंदौर से देवास साइकिलिंग करता हूँ 50 से 55 किलोमीटर। ये साइकिलिंग करने का उद्देश्य यही है कि लोगों को एक संदेश देना, समाज में एक संदेश देना कि आप अपने दिनचर्या में साइकिलिंग को शामिल करें, जिससे आप स्वयं भी स्वस्थ रहें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। देवास को और देश को, प्रदेश को तो हमने स्वच्छ बना दिया, लेकिन अभी हमें पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाना है और स्वयं को भी स्वस्थ बनाना है। आशीष जी, एक अहम सवाल था, अभी आपने अभी तक कितने घंटे में कितने किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं? अभी ऑडेक्स इंडिया के द्वारा 600 किलोमीटर राइड की प्रतियोगिता वर्तमान में आयोजित की गई थी जून महीने में पहले सप्ताह में, जिसमें 600 किलोमीटर मुंबई से धूले और धूले से मुंबई राइड आपको साइकिलिंग करना है थी 40 घंटे में, और इसमें पूरे भारत से 41 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 12 ही लोग इसे कंप्लीट कर पाए। मैंने भी इसे 39 घंटे और 22 मिनट में कम्प्लीट किया। क्या आपने प्रदेश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करा? जी हाँ, और अभी भविष्य में ये, चूँकि अब ये क्वालिफाई हम कर चुके हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता फ्रांस में पेरिस में आयोजित होती है, जिसमें पेरिस से ब्रेस्ट और ब्रेस्ट से पेरिस 1200 किलोमीटर की राइड होती है, जिसे आपको 90 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो मैं उसके लिए क्वालिफाई कर चुका हूं और अब मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करूँगा और अगले महीने अगस्त में होने वाली इस प्रतियोगिता में शामिल होऊंगा पेरिस में। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।